हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मेशन एंड एड प्रोस्पेक्टिव। सो ये जो क्लास हम लेने जा रहे हैं, इसमें मैं आपको क्लास वन से लेके क्लास सिक्स तक का कुछ बेसिक्स जो हमने पढ़े हैं उनका रिविज़न मैं आपको करवाऊंगी। प्लस कुछ स्टूडेंट्स के डाउट भी मेरे पास आए हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी कमांड्स में, वो मैंने क्लियर करी है। और ये मेरा पार्ट वन रहेगा रिविज़न का। सेकेंड पार्ट आपका आएगा बहुत जल्दी, जिसमें मैं आपको जो एडवांस चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं वन से लेकर सिक्स तक की क्लासेस में, वो हम देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आज हम कुरल के जो कुछ मैंने जो पढ़ाया है लास्ट क्लासेस में, उनमें कुछ स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो हम वो देखते हैं आज, क्लियर करते हैं उन प्रॉब्लम्स को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट, थोड़ा स्पीड में फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे। अगर अब भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको उसका रिप्लाई दूंगी। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, टाइटल अनटाइटल वन में आप उसका नाम दे सकते हैं फाइल का, आप जो भी फाइल का नाम बनाना चाहें। प्रीसेट में कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट, जो ये डिफ़ॉल्ट चल रहा है, ये A4 का पेपर डिफ़ॉल्ट ही आएगा। नंबर ऑफ पेजेस, पेजेस कितने पेजेस आपको लेने हैं एक डॉक्यूमेंट में, वो आप ले सकते हैं। ये कलर्स होते हैं CMYK के RGB, ये हम बाद में देखेंगे, कलर थ्योरी में पढ़ेंगे। A4 साइज़ का पेपर चल रहा है आपका, डिफ़ॉल्ट A4 साइज़ आएगा। उसका हाइट और विड्थ मिलीमीटर में चल रहा है, स्केल आपको चेंज करनी है, यहाँ से आप चेंज कर दीजिए, उसका विड्थ और हाइट सेंट इंचेस में आ जाएगा। ओरिएंटेशन, आपको पेज पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। रिजोल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, रिजोल्यूशन क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, इसको कर दीजिए आप ओके। ठीक, जो प्रॉपर्टीज हमने बाहर देखी थी क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट तो आप क्रिएट हो गया, अब आपको फिर से चेंज करना है प्रॉपर्टी में, कैसे करेंगे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने वहाँ पर चेंजेस देखे थे वो यहाँ पर भी हैं। बीच में जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे आगे, मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें छूट रही हैं, जो जैसे जैसे उनका यूज़ हमें आता जाएगा वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, डुप्लीकेट डिस्टेंस पेज की पोजीशन बता रहा है, पेज आपका कहाँ पर रखा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कस्टम पेज चल रहा है आपका A4 का, तो उसकी विड्थ और हाइट बता रहा है वो इसकी। किस पेपर पर आपको काम करना है वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट बने हुए पेपर्स हैं। या आप मान लीजिए आपको आपको आपके अकॉर्डिंग कोई पेपर सेट करना है, जैसे 2x2 आपने लिया, एंटर कर दीजिए कि 2x2 के हिसाब से पेपर आ गया, 2x2 इंचेस का। ठीक है, कंट्रोल जेड अंडू कमांड होती है, जो कोरल ड्रॉ में अनलिमिटेड चलती है, आप कितनी बार यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम जूम टूल, जेड इसका शॉर्टकट है। ठीक है, लेफ्ट क्लिक से आप पेज को जूम कर सकते हैं, पर्टिकुलर जिस एरिया पे आप क्लिक करेंगे वो एरिया आपका जूम हो जाएगा, राइट क्लिक से आप बैक टू पोजीशन हो जाएंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अभी आपने जो जूम करा है पेज को 50% से जूम हो रहा है, 2 width 2 height, और आप 1600% तक इसको पेज को जूम कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट क्लिक से जूम इन, राइट क्लिक से जूम आउट। रेक्टेंगल टूल, ये आपने ड्रॉ करा, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पोजीशन बताता है, इसलिए हम जब रेक्टेंगल को मूव करेंगे उसकी पोजीशन में चेंज हो जाएगा, मतलब आपका जो रेक्टेंगल है वो डॉक्यूमेंट पर किस जगह पर रखा हुआ है। ठीक है, ये रेक्टेंगल क्यों है, क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट सेम नहीं है, अगर ये सेम और सेम हाइट और विड्थ का बनेगा तो ही ये स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, अब सेम हाइट और विड्थ आप यहाँ से ले सकते हैं ड्रॉ करने के बाद, 3x3 का आपको लेना है, ले लीजिए। ठीक है, विड्थ और हाइट सेम हो गई इसकी। अब ये जो होता है ये परसेंट होता है, स्केल फैक्टर, आपने डॉक्यूमेंट आपका जो रेक्टेंगल उसको ड्रॉ तो आपने 100% से करा था, आप जैसा बनाएंगे वो 100% चलेगा, लेकिन अगर आप बनाने के बाद इसमें कोई चेंज करते हैं तो इसके स्केल में फैक्टर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन, रोटेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और रोटेशन आपको देना है, पर्टिकुलर थोड़ा सा रोटेशन देना है, एक बार क्लिक कीजिए चारों कॉर्नर्स, रोटेशन के कॉर्नर से आप इनको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, मिरर इफेक्ट हम देखेंगे आगे, इसके जो कॉर्नर हैं, कॉर्नर आपको कैसे लेना है, अंदर की तरफ लेना है, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि जूम आउट करते हैं बिल्कुल इस पर्टिकुलर एरिया को। अब देखिए, ये लिया आपने, अब मान लीजिए यहाँ पर भी अभी भी चेंज नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि जो आपने स्क्वायर बनाया है उसके एक कॉर्नर पे
मतलब आप चारों कॉर्नर पे चेंज करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर लिया, ये आपने फोर टाइप करके एंटर कर दिया, चारों कॉर्नर में चेंज आ गया। ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने इसको कॉर्नर को अंदर ले लिया, इनर साइड ले लिया। ठीक है, कॉर्नर को शार्प लेना है यहाँ से आउटर साइड, ये आपको कॉर्नर को इस तरह से लेना है। अब एक में चेंज करने पे सब में चेंज हो रहा है। अगर आप इसके लॉक को खोल देते हैं तो आप पर्टिकुलर चेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें आपने एक कर दिया और इसमें आपने कर दिया 5। ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन थिकनेस आपको बढ़ानी है, आउटलाइन का स्टाइल कैसा लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, कलर्स आप देखना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे इसमें कलर कैसे हो गए, तो खुले हुए हैं, लेकिन खुले हुए नहीं, ये तो स्टाइल आउटलाइन का। लेफ्ट क्लिक से ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल होगा, राइट क्लिक से ऑब्जेक्ट के बाहर आउटलाइन में, राइट। क्लियर है ये? थोड़ा स्पीड में देख रहे हैं हम। थ्री पॉइंट रेक्टेंगल टूल, एक लाइन बनाइए, छोड़िए, ये रेक्टेंगल इसके साथ चलेगा, प्रॉपर्टी सेम रहेगी जो रेक्टेंगल टूल की थी। एलिप्स टूल F7 इसकी शॉर्टकट है, ये आपने ड्रॉ करा। अब आप कहेंगे कि तो सर्कल है, ठीक है, लेकिन ये सर्कल नहीं है। अगर इसका पॉइंट में भी कुछ चेंज होगा तो ये सर्कल नहीं, ये एलिप्स कहलाएगा। ठीक है, सर्कल आपको बनाना है, मैंने आपको बताया था कीबोर्ड से आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एक्यूरेट हाइट और विड्थ ले सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो आप कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस कीजिए, देखिए, अब देखिए इसका हाइट और विड्थ सेम है, दैट मीन्स ये सर्कल है। सर्कल कितनी डिग्री का होता है आपका? 360 डिग्री। इसका एंगल ऑफ रोटेशन इसमें समझ में नहीं आएगा, एंगल ऑफ रोटेशन आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, पाए आग, आग में आपको आप अंदर कलरफिल नहीं कर सकते, ये आउटलाइन ही आउटलाइन बचे यहाँ से ही खुला हुआ है, इसलिए इसमें अंदर कलरफिल नहीं होगा। हाँ, आउटलाइन में आप करना चाहें वो कर सकते हैं, थिकनेस और ये स्टाइल। ठीक है, इसके अंदर एक और टूल है, थ्री पॉइंट एलिप्स टूल, थ्री पॉइंट रेक्टेंगल जैसा ही टूल है। पॉलीगॉन सेम, यहाँ तक की प्रॉपर्टी सेम है। पॉलीगॉन 8 साइड का पॉलीगॉन चलता है, आपको 10 साइड का पॉलीगॉन चाहिए वो भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और ये आउटलाइन, इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए, स्टार, स्पाइरल, कॉमन शेप्स, इंपैक्ट टूल, ग्राफिक सॉरी ग्राफ पेपर, ये सारे टूल्स जो है ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार आप उसको चलाकर देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नो जो चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही थी वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा एक बार, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं। अब इनमें मैं आपको बता देती हूँ कंट्रोल शिफ्ट का यूज़। मैंने आपको बताया कंट्रोल शिफ्ट का यूज़ आप एक तो ये कर सकते हैं कि इसके हाइट और विड्थ एक्यूरेट ले सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपको इसके विड्थ में चेंज करना है, विड्थ इसकी बढ़ानी है, अगर आप इस पॉइंट से खींचेंगे तो ये बढ़ तो रही है लेकिन इसी पॉइंट से मूव कर रहा है। आप चाहते हैं कि जो आप जितना आप चाहते हैं दोनों तरफ से मूव करना, तो शिफ्ट प्रेस कीजिए, शिफ्ट के साथ दोनों तरफ से चलेगा। ठीक है, ऊपर से लेना है, हाँ सेम हाइट और विड्थ में लेना है, तो ये वाले कॉर्नर को पकड़िए, मतलब चारों में से किसी भी कॉर्नर को पकड़िए, शिफ्ट के साथ ऐसे आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, ये एक्यूरेट हाइट और विड्थ के साथ चलेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कोरल ड्रॉ में कॉपी करने के 6 तरीके होते हैं, हालांकि कॉपी करने के तो चार ही तरीके होते हैं, दो होते हैं डुप्लीकेट और रिपीट। तो उनके लिए आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की कॉपी लेनी पड़ेगी पहले, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो कॉपी करने के 6 तरीके कौन से हैं देखते हैं हम स्पीड में। कीबोर्ड से आप प्लस प्रेस कीजिए, ऑब्जेक्ट की कॉपी आ चुकी होगी, 2-3 बार प्रेस हो गया इसलिए इतनी सारी कॉपी आ गई। ठीक है, प्लस स्पेस बार, जिस जहाँ ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे स्पेस प्रेस करेंगे वहाँ ऑब्जेक्ट की कॉपी आती जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड, प्लस हो गया, स्पेस बार हो गया, राइट क्लिक, राइट क्लिक से मूव कीजिए, यहाँ पर रखना है आपको, ये लिया आपने, वो पूछेगा मूव हेयर या कॉपी हेयर, मूव हेयर करेंगे तो वही ऑब्जेक्ट आपको मूव हो जाएगा, कॉपी हेयर करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगला तरीका मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस ये ही आपके ज़्यादा यूज़ में आएगा। लेफ़्ट क्लिक से ऑब्जेक्ट को उठाया, लेफ्ट को छोड़े बिना राइट प्रेस करेंगे, देन लेफ्ट और राइट, ये ऑब्जेक्ट की कॉपी आ गई। अगर आप बिल्कुल स्पीड में कोई डिज़ाइन तैयार करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो यही तरीका आपको ज़्यादा यूज़ में आएगा। अब रिपीट और डुप्लीकेट को कैसे करेंगे? इस ऑब्जेक्ट का आपको डुप्लीकेट लेना है,
कंट्रोल डी, डुप्लीकेट इसी डायरेक्शन में चलेगा वो, ठीक है। अब रिपीट लेना है आपको, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, ये एक ने कॉपी ली, कंट्रोल आर रिपीट, ठीक है। लेकिन कॉपी लेनी ज़रूरी है उसके लिए, रिपीट के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेरी करी थी कि मैडम आपने बताया था कि ऑब्जेक्ट को आप एक्यूरेट कैसे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली चला सकते हैं स्केल से, ठीक है। तो मैंने उन्हें बताया था कि आपको कैसे करना है। वो क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट और कंट्रोल दोनों के साथ मूव करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर शिफ्ट और कंट्रोल का यूज़ नहीं होगा मूव करने के लिए, आपको उठाना है ऑब्जेक्ट को। अब दूसरी गलती ये हो रही थी कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके पहले कंट्रोल प्रेस करने के बाद में फिर ये हो रहा था कि इसकी कॉपी तो एक्चुअली दिखी नहीं रही थी, हमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट दिखी नहीं रहा था। तो ये भी नहीं करना है आपको, आपको ऑब्जेक्ट को लेना है, हल्का सा आपने मूव करा देन कंट्रोल प्रेस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल का यूज़ होगा, शिफ्ट यूज़ में नहीं लेना, ये लिया आपने। अब कंट्रोल को छोड़ना नहीं है, लेफ्ट राइट से कॉपी करा देन कंट्रोल लिए, सबको सेलेक्ट करा, नीचे लेके आए देन कंट्रोल लिए, राइट। शिफ्ट का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, कंट्रोल का यूज़ होगा। और कंट्रोल भी आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को ड्रैग कीजिए फिर आप कंट्रोल को प्रेस कर दीजिए तो इस तरीके से कॉपी चलेगी, ठीक है, क्लियर है इतना। बेजियर टूल एंड शेप टूल मैंने आपको बताया था, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। बेजियर टूल और शेप टूल डिजाइनिंग के बेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। यहाँ पे आते हैं, देखिए ये वाले टूल्स भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ये भी हम देख लेंगे एक बार, ठीक है। बेजियर टूल पे आपने क्लिक करा, बेजियर टूल का शॉर्टकट नहीं है, आप यहीं से लीजिए। हाँ आप ये कर सकते हैं कि जो भी टूल आप सिलेक्ट करेंगे स्पेस बार से लास्ट सिलेक्टेड टूल ही आएगा आपका, और जैसे आप स्पेस बार प्रेस करेंगे पिक टूल वापस आ जाएगा। ये आपको स्पीड में काम करने में बहुत हेल्प करेगा, नहीं तो बार बार आपको यहाँ नहीं जाना है, यहाँ पर जाने का कुछ सेकंड का टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो भी आपको डायलॉग बॉक्स खोलना पड़ेगा फिर आप अंदर बेजियर टूल पर जाएंगे, नहीं। बेजियर टूल अगर आपने ले रखा है तो स्पेस प्रेस कीजिए, बेजियर टूल आ जाएगा, ठीक है। अब बेजियर टूल में एक बार आपने क्लिक करा, अब जहाँ भी आप क्लिक करते जाएंगे लाइन आपस में क्या होगी, जुड़ती जाएगी। इस ऑब्जेक्ट को फिनिशिंग पॉइंट पर एंड करना ज़रूरी है इस लाइन को, तभी इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज कलर फिल नहीं होगा, ठीक है। अब बेजियर टूल आपने लिया, ये देखिए जहाँ भी क्लिक करते जाएंगे लाइन जुड़ती जाएगी आपस में, ठीक है। अब बेजियर टूल का काम क्या है, लाइंस को ड्रॉ करके देना है। इसके बाद किसका यूज़ आएगा, शेप टूल का। अब आपको ऑब्जेक्ट को शेप में देना है, शेप देना है, तो ये रहा आपका शेप टूल, ठीक है। शेप टूल देखते हैं हम, ये लाइन है, एक बार आपने क्लिक करा एक डॉट दिखा आपको, यहाँ पर आप नोड ऐड कर सकते हैं, ये जो नोड होते हैं ये नोड, इनको नोड्स कहते हैं, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और ब्रेकअप ये हम देखते हैं। क्लिक करा आपने, यहाँ पर देखते हैं सीधे कन्वर्ट टू लाइन, बंद क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी लाइन है, कन्वर्ट टू कर्व, तो आप इसको स्मूथ कर चुके होंगे, देखिए सेंटर से उठाएंगे ऐसे, जिधर रखना है आप उसको रख। अब आपको एक लाइन, एक इस लाइन को कर्व में देना है, तो आप कैसे करेंगे, ऐसे तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर एरिया बनाइए, हैंडल्स दिखेंगे आपको, इन हैंडल की मदद से आप इसको कर्व कर सकते हैं जैसा आप करना चाहें, ठीक है। अब यही सारे काम यहाँ पर जो दिख रहा है ये आप राइट क्लिक से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करा, क्लिक करके अब कर्व बंद हो चुका, लाइन दिख रही है, मतलब इसको हम लाइन बनाना है, कर्व हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कर्व कर दिया, ठीक है। एड नोड, नोड ऐड हो गया, वही काम आप डबल क्लिक से भी कर सकते हैं, डबल क्लिक से एड नोड हो जाएगा, तो डबल क्लिक से ही डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। स्मूथ, सॉरी
टू कर्व, ठीक है, इन दोनों को आपने मान लीजिए कर्व कर दिया, ये दो लाइंस को। अब इसमें जो हैंडल्स हैं ये अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है, इन दोनों, इसको हैंडल को आपने सेलेक्ट करा, राइट क्लिक कीजिए, इसको कर दीजिए स्मूथ। अब एक हैंडल को मूव करेंगे दूसरा हैंडल भी ऑटोमेटिकली चलेगा, ठीक है। ऐसा कभी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी होगा कि ऐसी आपको प्रॉब्लम आएगी। अब आप चाहेंगे कि यार मैं यही नोट हम मूव करें लेकिन दूसरा अपने आप क्यों मूव रहा है, तो यहाँ पर इस पोजीशन, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इसको कर दीजिए कस्प। आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं, कस्प कर देंगे तो ये फिर से फ्री हो जाएगा। अब एक को चलाएंगे एक ही चलेगा, राइट, ठीक है, स्मूथ सिमेट्रिकल, ये देखिए स्केलिंग, देखिए आप स्केल पे देखिए, ऊपर रूलर पे देखिए, स्केल आपका इसके अकॉर्डिंग चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। राइट क्लिक कीजिए, स्मूथ देख लिया हमने, सेम है कस्प और स्मूथ की, स्मूथ के जैसे ही है, ठीक है, ये हम देखेंगे, ठीक है, क्लियर है आपको। इनको हम कर देते हैं टू लाइन, या ऐसे क्लिक करा, राइट क्लिक कीजिए, ब्रेक अपार्ट, ब्रेक कर दिया, ये यहाँ से ब्रेक हो चुकी है लाइन, यहाँ से छूट चुकी है। अब इसमें कलर अंदर फिल नहीं होगा, आउटलाइन में आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि बेजियर टूल और शेप टूल का काम, अब जैसे कोई आपको डिज़ाइन तैयार करना है, मान लीजिए मैंने ये डिज़ाइन एक नॉर्मली हमेशा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपने बनाया, ठीक है। अब यही काम आप सिर्फ दो नोट पर कर कीजिए, तो देखिए इसको जूम करके देखेंगे, ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, शार्प है, और ये स्मूथ है। इसका मतलब कि आप जितने कम नोट्स पे काम करेंगे आप जॉब को उतना सुंदर स्मूथ बना सकते हैं। हाँ, जहाँ आपको नोट की ज़रूरत है वहाँ आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितने कम नोट्स पे काम करेंगे उतना आपका जॉब अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, राइट। तो ये बेजियर टूल और शेप टूल आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा है। इसमें फ्री हैंड टूल, फ्री हैंड चलेगा, इसको भी आपको फिनिशिंग पॉइंट पे ही लाना होगा, तभी आप इसमें कलर कर सकते हैं। ठीक है, टू पॉइंट लाइन टूल, ये लाइन बन जाएगी। आपको एक सिंगल लाइन लेनी है तो आपको बेजी टूल पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जिससे लाइन चाहिए आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, लाइन बन जाएगी, ठीक है। पेन टूल, मैंने पेन टूल और बेजी टूल में डिफरेंस बताया था आपको, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी आपको फिनिशिंग पॉइंट पर लेकर आना है, ठीक है, बेस लाइन टूल ये कुछ इस तरह से चलेगा। प्रॉपर्टीज देखिए चेंज सब सब में सेम, ठीक है। पॉली लाइन टूल ये दो तरीके से काम करेगा, इसमें फ्री हैंड भी चलेगा बेजियर भी चलेगा, कैसे फिर से देखते हैं। ये देखिए ये बेजियर टूल चल रहा है, क्लिक करते जा रहा है, फ्री हैंड चलाना है, ड्रॉ कीजिए, ये फ्री हैंड चला, ये फिनिश, राइट। थ्री पॉइंट कर्व टूल, ये हमने शेप टूल वाले शायद टूल्स नहीं देखे थे, ये हम देखेंगे आगे क्लास में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। अब मैं आपको बता देती हूँ कि रेडीमेड ऑब्जेक्ट पे आपको शेप टूल चलाना है, उसमें चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे।
शेप टूल लिया। अब शेप टूल की इसमें एक लिमिट होती है, शेप टूल इतना काम कर सकता है इसमें, इससे ज़्यादा आपको काम करना है शेप टूल पे, तो आप क्या करेंगे, इसको कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व। ठीक है, कंट्रोल क्यू, कन्वर्ट टू कर्व आप जैसे करेंगे, आप इसमें आपके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं किसी भी रेडीमेड ऑब्जेक्ट पे। क्लियर है आपको यहाँ पर? शैडो ड्रॉप शेडो प्रिसेट, यहाँ पर आपको शेडो किस तरीके से लेनी है, आप यहाँ से ले सकते हैं प्रस्पेक्टिव टॉप राइट, या आप यहाँ से कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बने हुए हैं यहाँ से आप ले सकते हैं राइट। ये होती है आपकी ड्रॉप शेडो टूल। आपने जो ड्रॉप शेडो करा, इनर शेडो ऑब्जेक्ट के अंदर की शेडो आ जाएगी, या आप एक बार चला के देखिएगा ओवरले, यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की ऑपोजिटी सॉरी शेडो की, और ये फैदर आप कैसे लेनी है, इनसाइड शेडो ऑब्जेक्ट के अंदर की शेडो, मिडिल शेडो, ओवर शेडो, आउटसाइड शेडो, ये आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, आप चला के देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ सकते हैं। काउंटूर कुछ इस तरह से चलेगा ये, या आप उसके साइड जो हैं आ रहे हैं वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो चेंजेस कर सकते हैं वहाँ पर कर करके आप देखिएगा, प्रैक्टिस में लेके आइएगा, समझ में आता जाएगा सारी चीज़ें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा एक बार में, चला के देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है। ब्लेंड टूल सॉरी ब्लेंड चलेगा दो ऑब्जेक्ट पे, सिंगल ऑब्जेक्ट में ब्लेंड नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लिप से आप कलर ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी प्रॉपर्टीज़ की चेंज कर सकते हैं, कैसे आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी है वो आप चेंज करके देखिएगा। डिस्टॉर्ट एनवलप एक्सट्रूड ब्लॉक शेडो, ठीक है, वो आप यहाँ से चेंज करके देखिएगा, कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। ट्रेसिंग मैंने आपको बताई थी बेजियर टूल और शेप टूल में, ट्रेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने बेजियर टूल लिया, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ, अब आपको बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्ट बनाना है। मान लीजिए आपको कोई कंपनी का लोगो दिया गया, बोला है कि मुझे एग्जैक्ट वैसा ही चाहिए, लेकिन मुझे CDR फाइल चाहिए, मुझे JPEG यानी फोटो नहीं चाहिए उसका। CDR फाइल मतलब आप उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोरल डॉक्यूमेंट जो सेव होता है वो CDR फाइल में होता है, वो हम आगे देखेंगे कि आप कैसे उसको सेव करते हैं, किस फॉर्मेट पर सेव करते हैं। ठीक है, शेप टूल सॉरी, अब आपको यही चीज़ लेनी है तो कैसे लेंगे आप, नोट एडिट करते जाइए, इसी के ऊपर हम ट्रेसिंग देख रहे हैं। मैंने आपको ट्रेसिंग एक इमेज पे बताई थी, इमेज पे भी आप ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर आपको चलाना है शेप टूल।
ठीक है, इस तरीके से ट्रेसिंग आप देख सकते हैं। किसी इमेज को लीजिए, अच्छी फ्लावर की कोई भी इमेज आप ले सकते हो, उस पर ट्रेसिंग चलाइए। ठीक है, अलाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अलाइनमेंट ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं, इनको इन तीनों को आपको लेफ्ट से अलाइन करना है, सिलेक्ट सबको करना है। ठीक है, एल प्रेस करेंगे लेफ्ट से अलाइन, आर प्रेस करेंगे राइट से अलाइन, टी प्रेस करेंगे टॉप से अलाइन, बी प्रेस करेंगे बॉटम से अलाइन। अब मान लीजिए आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन करना है, ई प्रेस करा ये हो गए वर्टिकल अलाइन, और सी प्रेस करने से हॉरिजॉन्टल अलाइन। ये दोनों, ये दो शॉर्टकट्स हैं, इनको आपको मेन याद रखनी है, जो कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम तो एल आर टी बी हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के लिए ई और सी यूज़ होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए। तो ये दो मैंने आपको इनको, इन दोनों को याद रखना है। ठीक है, पी प्रेस करेंगे सेलेक्ट का सेंटर ऑफ द पेज। ठीक है, क्लियर है आपको? अब मान लीजिए आपको कॉपी ऐसे लेनी है, ये आपने बनाया शिफ्ट का यूज़। अब यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि, फिर से मैं एक बार क्लियर करती हूँ, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसका स्केल बराबर चलाना है आपको, तो आपको कंट्रोल यूज़ करना है। लेकिन अगर इसकी एक्यूरेट कॉपी लेनी है अंदर की तरफ, तब कंट्रोल यूज़ नहीं करना है आपको, कंट्रोल से ही वो भी नहीं होगा, आपको यहाँ पर यूज़ करना है शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट को प्रेस करा, लेफ्ट राइट से कॉपी करा, देन कंट्रोल डी या कंट्रोल आर। कंट्रोल ऑल सेलेक्ट देन डिलीट। ऑब्जेक्ट का ये जो सेंटर है, इसको आप जहाँ पे रखेंगे ये रोटेट करेगा इस सेंटर से, ये देखिए। ठीक है, ये आपने कॉपी करा देन कंट्रोल डी, क्लियर है? अलाइनमेंट भी मैंने आपको बता दी, ऑब्जेक्ट में मैं एड प्रोस्पेक्टिव आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वो हम देख लेते हैं एक बार। उसमें मैंने आपको रोड बना के बताया था। अभी इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, सिलेक्ट करा, ऑब्जेक्ट पे आए, एड प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से हमने कुछ देखा था, रोड बनाना सीखी थी। देखिए रोड जैसा दिख रहा है। अब ये एड प्रोस्पेक्टिव से कर सकते हैं आप, नहीं तो अगर आप मान लीजिए एड प्रोस्पेक्टिव को यूज़ नहीं करते हैं, आप रोड बनाना चाह रहे हैं, तो आपको कितनी मेहनत करनी होगी। ऐसे आप बिल्कुल प्रॉपर ये बनाएंगे, फिर अंदर ऑब्जेक्ट अलग रखेंगे, उनकी साइज़ और इनका ध्यान रखना होगा आपको, कि साइज़ प्रॉपर चल रही है नहीं। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एड प्रॉस्पेक्टिव से आप इजीली ये काम कर सकते हैं। टेक्स्ट पर भी एड प्रॉस्पेक्टिव चलेगा। अच्छा, कभी भी आप इमेज को या टेक्स्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को इधर से नहीं खींचेंगे और इधर से नहीं खींचेंगे, ये ख़राब कर चुका होता है इमेज को, ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को। आपको कभी भी लेना है एक्यूरेट साइज से, आप कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग कीजिए। ठीक है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन या ले सकते हैं, इस पर आप चलाइए, एड प्रोस्पेक्टिव चलाइए इस पर। देखिए ऐसा लग रहा है इसे फ्लैट है, इसे टेक्स्ट आपने देखे होंगे ना कहीं। ये देखिए, ठीक है, ये प्रोस्पेक्टिव से आप कर सकते हैं। क्लियर है?
एक क्लास और लेंगे हम, जिसमें मैं आपको शेपिंग बताई थी वो बता दूंगी, ट्रांसफॉर्मेशन बता दूंगी, और कोई आपको डाउट जो आपके आ रहे हैं वो अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने रिवीजन कराया है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। कंट्रोल और शिफ्ट का यूज़ मैंने, मेरे एक स्टूडेंट ने कुछ डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है, आप एक बार देखिएगा। और चलिए यहीं पर हम क्लास क्लास को क्लोज क्लोज करते हैं, और अगली क्लास में जल्दी से जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर। सो दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी? उम्मीद है आपको रिवीजन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे अगली क्लास में या कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।